नमस्कार, स्वागत है आपका आरडीडी न्यूज़ में। मैं अपर्णा। सुशासन सप्ताह के तहत बोकारो में आयोजित की गई जिला स्तरीय कार्यशाला। बोकारो के चास में चोरी की एक गाड़ी जब्त हो गई है। कोरोना पर हमारे देश में सरकारें फिर से गंभीर हो गई हैं। एक बार फिर से हमारे देश में लोगों को कोरोना का डर सताने लगा है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कल एक बैठक की थी, वहाँ पर ये बातें हुई कि भीड़ जहाँ पर भी इकट्ठी हो रही है, वहाँ कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। इसके बारे में चर्चाएं आम है कि हमारे हेल्थ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि कोविड प्रोटोकॉल लागू किया जाना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो कि पिछले 2 सालों में हमने सीखा है और देखा है कि सतर्कता बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, अपने घर पर इंतजाम रख सकते हैं, तो कोविड से बचा जा सकता है। यह डरने का विषय नहीं है और हमारे देश में लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ी है। लगभग अधिकतर लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, कुछ लोगों ने बूस्टर डोज भी लिए हैं और अधिकतर लोगों के लिए ये जो नया वेरिएंट BF.7 मिला है, उसके लक्षण वही सेम देखे जा रहे हैं जो पहले वेरिएंट के थे, लेकिन ये वेरिएंट अभी म्यूटेट कर रहा है। कई राज्यों में स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग बहुत ही सतर्क हो गए हैं और वे अपने यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। ये छुट्टियों का समय है, क्रिसमस में लोग घरों से बाहर निकलेंगे, भीड़ इकट्ठा होगी। जहाँ पर भी लोग जा रहे हैं, वहाँ पर मास्क लगाएँ और कोशिश करें कि भीड़ इकट्ठी ना करें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर हम कोई आयोजन कर रहे हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उसमें भाग लें और कार्यक्रम का आयोजन करते समय कोविड से बचने के नियमों का पालन जरूर करें। अब समाचार बोकारो से कि वहां पर क्या हुआ खास। बोकारो के चास जेल मोड़ के पास में जियो सर्विसेज के रिकवरी एजेंटों ने एक चोरी के ट्रेलर को पकड़ा और चोरी के ट्रेलर को पकड़ने के बाद जब उसे एक चालक के सहारे थाने ले जाना चाहा तो 3 लोगों ने चालक के साथ मारपीट की और ट्रेलर को सड़क से नीचे उतार दिया। इसके बाद इसकी सूचना पिंडराजोरा थाना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पिंडराजोरा थाने की पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया और ट्रेलर को जब्त कर थाने ले जाने का काम किया। रिकवरी एजेंट विक्रांत कुमार सिंह ने बताया कि यह गाड़ी चोरी की है और गाड़ी के नंबर प्लेट पर अलग से स्टिकर लगाकर दूसरे जिले का नंबर लगा दिया गया है, उसे यहां लाकर रखा गया है। वहीं मौके पर पहुंचे थाने के SI समीम अंसारी ने बताया कि थाने पर मिली सूचना के आधार पर वे मौके पर पहुंचे हैं। लोगों ने बताया कि यह ट्रेलर चोरी का है और 3 लोगों को मौके पर हिरासत में लिया गया है। मामले की पूरी छानबीन की जा रही है। ये गाड़ी सर, इस गाड़ी में जो नंबर लगा हुआ है ये इस गाड़ी की नहीं है और ये चोरी की गाड़ी है, जिसके साथ ये शख्स और वो शख्स तीनों जो थे गाड़ी में मौजूद थे। तो हम सर इनको थाना जाने के लिए कहें तो ये लोग इंसाफ इनकार कर दिए। आपको कैसे पता ये गाड़ी चोरी की है? सर हम लोग रेपो एजेंट का काम करते हैं, रिकवरी का काम है हमारा, ठीक है। फिर हम लोग सर को भी फ़ोन किए तो सर बोले गाड़ी लेके आइए आप लोग थाना, लेकिन ये लोग जाने से इनकार किया। तो हम लोग चलाने नहीं जानते हैं तो हम एक ड्राइवर को हायर किए, ये लोग मार पीट करके गाड़ी इधर घुसवा दिए। अब फिर लास्ट में हम लोग आ करके सर लोग आए तब अभी ये मामला जो है शांत हुआ और हम लोग थाना जा रहे हैं गाड़ी को लेकर। मारपीट ड्राइवर कैसे? कंपनी के एजेंट हम लोग, GS सर्विसेज के एजेंट, GS सर्विसेज के। इन लोग को जानते हैं कौन है लोग? नहीं सर। गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी तो सर अभी हम लोग पकड़े ही हैं, गाड़ी कहाँ की ये तो साबित होगा। थाना जाएंगे, थाना जाने के बाद चेचिस नंबर मिलेगा, गाड़ी का नंबर मिलेगा, तब पता चलेगा। नहीं गाड़ी का सर नंबर ही गलत है सर। आपको कैसे पता कि नंबर गलत? पूरा आप देखिएगा सर, यहाँ देखिएगा, ये देखिए सर, यहाँ देखिएगा इसके अंदर J05 करके नंबर लगा हुआ है, आगे भी J05 करके नंबर लगा हुआ है। अभी पेट्रोलिंग में हम थे गश्ती में, सूचना मिला कि एक गाड़ी ये शायद चोरी का बता रहे हैं लोग पब्लिक यहाँ के, उसी में अब इसको थाना ले जा रहे हैं, ले जाके जांच करेंगे, सत्यापन करने के बाद ही स्थिति स्पष्ट किया जा सकता है। अभी तो यहाँ ये लोग 2-3 आदमी हैं, नहीं विवाद नहीं, पब्लिक यहाँ बता रहे हैं कि ये लोग ये गाड़ी चोरी की है और इसे लेके ये लोग भाग रहे थे गाड़ी। नहीं ये लोग कहाँ से आए हमको पता नहीं, ये अभी हम तो गश्ती से आ ही रहे हैं, पता करते हैं हम लोग डिटेल इसके संबंध में कि क्या है। नहीं कोई मारपीट नहीं हुई किसी के साथ, कोई संबंध नहीं, सब लोग ठीक ठाक हैं, किसी के साथ कोई कुछ नहीं हुआ है। अभी ले जाएंगे, सत्यापन होगा, पूछताछ होगा क्या है, तो फिर स्थिति क्लियर होने के बाद बताया जाएगा। आज बोकारो के जायका हैपनिंग्स में सुशासन सप्ताह के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार के लगभग सभी विभागों ने अपनी उपलब्धियों और अपने कार्यों को लेकर शॉर्ट फिल्म दिखाई और अपनी अपनी उपलब्धियों को वहां पर रखा, बताया जो भी चुनौतियां आ रही हैं उन्हें भी रखा गया और साथ के साथ सभी विभागों को इसमें डायरेक्शन दिया गया कि आज इस कार्यशाला के माध्यम से हम लोग ये संकल्प किस प्रकार से हम लोग बेटर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी करेंगे, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पे हम लोग ध्यान दें ताकि जो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है गुड गवर्नेंस का उसको हम लोग अचीव कर सकें।
पूर्व के स्थिति में काफ़ी हुई है और जिला प्रशासन भी रेस्पॉन्सिव है। ऐसा लगता है कि पदाधिकारियों का जो मनोबल भी हाई है और काम करने का जज्बा भी है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। हम लोग इस सप्ताह को गुड गवर्नेंस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये गुड गवर्नेंस जो है ये कोई मॉडर्न कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हम लोग पुराना अपना जो हिस्ट्री से हम लोग जो देखते आ रहे हैं कि दूर क्षेत्र तक हम लोगों को पहुंच करके उनका समस्याओं को सीधा सुन करके समाधान करने का प्रयास भी किया गया है। होंगे बहुत चीजें बदली है। एक चीज जो मैं फील करता हूं कि नॉर्मली हम लोग को इमीडिएट रिस्पांस देना हम लोग से एक्सपेक्टेड है, लोग चाहते हैं कि इमीडिएट रिस्पांस देना चाहिए, बट समटाइम ये हम लोग के लिए बहुत ट्रिविया हो जाता है। जो आदमी दो पक्ष में गलत है, जो एक्यूज्ड है, जो कल्प्रिट है, वो आके अपने पक्ष को इस तरह रखेगा कि अगर आप थोड़े भावुक हैं, इमोशनल हैं, तो मान लेंगे कि ये सही है, इसके फेवर में सब काम कर देंगे और बाद में पता चलेगा कि वही कल्प्रिट था। तो ये भी हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि थोड़ा सा अपने इमोशन को थोड़ा सा अलग रखें और जब तक दोनों पक्ष को सुन न लिया जाए, जब तक तसल्ली से फैक्ट बेसिस पे जज न कर लिया जाए, तब तक किसी एक पक्ष में निर्णय नहीं देना चाहिए, क्योंकि फेस वैल्यू हमेशा सही नहीं होता है, जो मेरा भी अनुभव है और आप लोगों का भी वो अनुभव होगा। इसका अगर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके, नई जो सोच उभर के आ रही है, नए जो बदलाव हो रहे हैं उसके साथ तालमेल बैठा के हम लोग अपने आप को बदल के अगर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे तो ये कार्य और बेहतर तरीके से हम लोग कर सकेंगे। यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ और साथ साथ में ये भी अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में जो बदलती सामाजिक परिस्थिति है, जो बदलती आसपास की जो स्थिति है, जो टेक्नोलॉजिकल नए नए इंटरवेंशन हो रहा है, उसके साथ अपने आप को साथ में लेते हुए उसके साथ तालमेल बिठाते हुए आपके कार्य को और गतिशील बनाए। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। आज बोकारो में सुबह की शुरुआत आसमान में धूप के साथ हुई और पूरे दिन धूप बनी रही। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बोकारो और जमशेदपुर के समाचारों के लिए बने रहें RDD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।